दादी, आप कई बार बच्चों को निश्चिंत करती हो कि क्या बड़ी बात है, हुआ ही पड़ा है। ये जो आप हमेशा एक ताकत नहीं, भरती है लोगों के अंदर, बल भरती हो कि क्या बड़ी बात है, कुछ है ही नहीं, हुआ ही पड़ा है जैसे, तो कई लोगों का टेंशन समाप्त हो जाता है उससे। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से, क्या बाबा आपको ऐसी प्रेरणा देता है, कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आती है? मीठी बहन थोड़ा जी शांत। मैं किसको भी कहती हूँ, इतनी वृद्धि पांडव भवन में, पहले बाग जब साकार बाबा तो हिस्ट्री हॉल बाबा ने बनाया था, इतना छोटा था, जहां बाबा हमारे संग खाना भी खाता था, छत के ऊपर भी एक बारी बैठ के हमारे साथ। तो ये सब तभी 200-300 थे, भाई तो 2-4 थे, परंतु इतनी वृद्धि हुई है। बाबा के मुरली में आता है, यज्ञ चलता ही रहेगा, बच्चे भूख नहीं मरेंगे, जी देख रहे हैं, देखते भी विश्वास न बैठे वो तो अपना, पर देखते देखते कईयों का विश्वास नहीं काम किया, अभी भी कर रहा है। जी अभी एक भाई बॉम्बे से आया था, उसने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था, कोई ब्रह्मा कुमारी हो गए, 24 घंटा जाना था सर। दूसरे दिन भंडारे में गया, इधर गया, ऊपर भी होके आया, अजब लगा उसको, खर्चा कैसे चलता है। भंडारे में देखा इतने लोगों ने खाया, किसी ने पैसा तो दिया ही नहीं, खाना सबको अच्छा मिला। तो मैंने कहा भगवान का यज्ञ है, बाबा ने विश्वास यज्ञ रचा, चलता आ रहा है, चलता रहेगा, इससे ही तो सत्यों की स्थापना हुई है। दादी, कुछ समय पहले जब मैं लंदन आई थी आपके पास में, आपने मुझे एक बात कही थी कि ड्रामा हमारी माँ है। मुझे याद नहीं है, पर हाँ ड्रामा माँ है, हाँ शे बाबा बाप है, हाँ क्योंकि ड्रामा कह के कोई शांत सो नहीं जाते हैं, शांत। अच्छा आगे चल, ये जी एक मैं समझती हूँ। अभी आप कहती आप लंदन आई थी, मुझे याद नहीं है, हाँ कल की बात भी याद नहीं है। जी अब क्या करने का, बीती को चित्तो नहीं, आगे की रखो नाश, कल क्या होगा वो उसके लिए मैं अभी सोचूं, नहीं तो कल हुआ सो अच्छा हुआ। लेकिन ये आपकी बात ने मुझे बहुत मदद दिया कि कुछ भी होता था तो मैं यही समझती थी कि जैसे माँ कभी बच्चे का अकल्याण नहीं चाहती है, ऐसे ड्रामा भी हमारा कभी अकल्याण नहीं होगा करता। ही नहीं हाँ ड्रामा में, की भी नॉलेज में ये संगम युग है, बाकी भी एक दो मुरली में आया है, ये जो 100 वर्ष है, जी ये जो सारे कल्प में ऐसा 100 वर्ष है, सारे कल्प में नहीं है, अच्छा 100 वर्ष ये जो जब से बाबा आया, 80 वर्ष तो हो गया, बाकी 20 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है। सचमुच में इतने लोग नहीं चाहिए, प्रजा भी तैयार हो गई है, नवरत्न भी तैयार हो गए हैं, हाँ 9 लाख भी हो गए। जी मैं कभी कभी गुलजार से पूछती हूँ, अष्टरत्न में कौन आएगा, कहा तू तो आएंगी ना। मैं पूछती हूँ ना, अब बताओ ना बाबा का कुछ कौन आएंगे।
आप तो जरूर आएंगे दादी।